आपको बम दिखाता हूँ, ये देखो पूरे कट्टे भर के लाए, दो कट्टे ये रे, ये देखो रावण बम है भाई, जो रावण में लगने वाले ना आपको दिखा। और सुबह लगा दी ले भी। हाँ ये लगा दिया। हाँ देखो गाइस, तो पूरी मूंछ देखो यार ये रावण की कितनी तगड़ी लग रही है। ओए अरे भाई ले भी लगानी है, इस पर थोड़ी लगानी है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रावण की लकड़ी लेने, देखो सारी लकड़ियां मिल जाएंगी आपको। तो भाई बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे लकड़ी ले जाने में, ठीक है गिरा मत दियो रास्ते में। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, तो क्या हाल है सभी के, बहुत बढ़िया। तो भाई जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने रावण के छाती और उसका घाघरा तैयार करा था, वो वीडियो भी देख लेना, आई बटन में लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो भी देख लेना। तो अभी मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ वरुण भाई के घर, तो बम वगैरह भी लिया है, पटाखे भी लिया है वो रावण के लिए, तो पटाखे भी दिखाऊंगा भाई, बहुत सारे दो कट्टे भर के बम लाया भाई, तो वो भी दिखाऊंगा आज की वीडियो में। तो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड कलर का बटन से रेड से ग्रे कर दो, 3 दिन बचे वैसे दशहरे को, तो रावण जल्दी से जल्दी रेडी करना है। तो आज जो हमने मूड तैयार कर दिया है और सब कुछ तैयार हो चुका है, बस ग्लेस पेपर लगाना और पैर तैयार करना, बल्कि सब कुछ तैयार हो चुका है। अभी लकड़ी लेने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा रावण कितना तैयार हुआ, और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा पूरा रावण तैयार हो चुका है, बस ग्लेस पेपर रोल लगना, बाकी सब रावण तैयार है। चलते लकड़ी लेके आते रावण की, तो चलो भैया। हाँ भैया स्टैंड लगा स्टैंड। तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम जा रहे हैं रावण की लकड़ियां लेने, और अभी मैं दोस्त को लेने जा रहा हूँ उसके घर पे, आपने देखा होगा ना पिछली वीडियो में वरुण भाई को, उसी के साथ जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने रावण की, और यहाँ से यूटर्न ले लेते क्योंकि जाम लग रहा है आगे से, वहीं से निकलते हैं। तो भाई यहाँ पे क्रैश होगी भाई, ठीक हो ना भैया? अरे यार चलो कोई नहीं, आराम से चलाओ भैया। तो भैया यहाँ पे अभी स्लिप हो गए, देख रहे हो ना सीधे यहाँ से गिर गए। लगी तो नहीं भैया? लगी तो नहीं ना? ना ठीक है, मिट्टी में हाँ वो स्लिप होगी, मैंने देखा भैया यहाँ पे सीधा वहाँ से आए और स्लिप हो गए। तो भाई मैंने कहा भैया से आराम से लाओ, कोई दिक्कत नहीं। भाई कल वरुण भाई लेके आए फारूक नगर से बम, भाई कितने लिया है भाई? 100 पैकेट लाया। तो गाइस आपको बम दिखाता हूँ, ये देखो पूरे कट्टे भर के लाए, दो कट्टे ये रे, ये देखो रावण बम है भाई, जो रावण में लगने वाले ना आपको दिखाऊंगा। तो ये कब लगेंगे? ये उसी दिन भाई जिस दिन अपना खिलाड़ी थे ना, 15 तारीख को दाम से फिट। अच्छा दशहरे वाले दिन है, सुबह सुबह तुम देखो, कोई लेट भी नहीं करेंगे इसमें, पूरे रावण बम भरे पड़े। और भाई सब देखो कितना बड़ा कट्टा, और इसमें इसमें भी वही है, इसमें भी वही है भाई। सही है भाई, वो ये क्या स्काई शॉट वगैरह है? अरे भाई सही है भाई, बम का इंतजाम बढ़िया हो गया है। और देखो भाई रावण के बम भाई, भाई मतलब कहते ना वहाँ से, हाँ क्योंकि वहाँ पे भी पता है बैन ही है, एक तरह की बैन ही है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली आपको बता दूँ, वो पैसे पकड़ रहे हैं और आपको बम पकड़ा के बस भेज रहे हैं। अच्छा। तो आपको वहाँ चेक करने का टाइम नहीं मिलेगा, मगर हाँ इतना है कि वो आपको नंबर दे देंगे अपना, ठीक है, अगर आपको तब भी कोई दिक्कत लगती है तो आप वापसी करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि 10 पैकेट अभी कम आए थे तो उनसे गलती हो गई थी, और उन्होंने कहा कि 1 पैकेट ले जाना, तो 6 बजे मेरा भाई वहीं रहता है। चले भाई रावण की लकड़ी लेने, चलो भाई चल लेट्स गो। तो भाई निकल चुके हैं लकड़ियाँ लेने रावण की, और वरुण भाई स्कूटी चला रहे हैं, और चलते हैं लेने चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे रावण कितना तैयार हुआ हमारा। और वरुण भाई बम लिया है यार, बहुत काफी रावण बम लाया ना सारे, हाँ भाई सारे रावण बम ले गया है, 2 कट्टे भर के वो भी। तो सही है काफी यार, मजा आ जाएगा इस वाले दशहरे पे, आप वीडियो को लाइक कर दो यार। शाम को 5:30 हो रहे हैं, हम जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने शादरा, शादरा जा रहे ना भाई? हाँ भाई शादरा, क्योंकि लकड़ियाँ कम पड़ रही थी हमें रावण के लिए ना, आपको पता है इतना बड़ा रावण। अरे साजी तो भाई मार्केट में भाई जाम लगा रहता तुम लोग, अब यहाँ से निकल जाए, पूरा रोड खाली है ना वरुण भाई, अब बस ये पार हो जाए, क्योंकि शाम के टाइम ना यहाँ पे बहुत जाम लग रहा था, रश होता है बहुत जाम। We'll be right back.
तो गाइस अभी हम आ चुके हैं लकड़ी लेने। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रावण की लकड़ी लेने। की देखो सारी लकड़ियां मिल जाएंगी आपको। हमें 10 फुट लकड़ी चाहिए। 10 फुट लकड़ी बाकी काम बना देंगे। की देखो देखो तो ऐसे 20 लकड़ियां ले लिया। चलते हैं स्कूटी पे लेके। वरुण भाई पकड़ लोगे या पकड़ू? चलो चलते हैं। तो भाई जी मुश्किल लग रही आएगी, देख ले। तो भाई बहुत हैं कैसे करनी है? ना बता दूं। खड़े में। अच्छा खड़े। अबे तो यहाँ से कर लेता। कैसे? तो वहाँ से कर लेता ना। पकड़। किराया कितना होना चाहिए? ये ऐसी रख के लेके गए थे। बताओ कैसे आएगी? तो भाई बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे लकड़ी ले जाने में। ठीक है बहुत भारी है यार। गिरा मत दियो रास्ते में। रिक्शा कर ले जाए। कितना ले रहा है रिक्शा वाला? पूछ लेते पकड़े भैया। ये गीता कौन लकड़ी ले जाने के कितने लोगे? अरे गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी। हाँ कितने? 100 रुपये। 100 रुपये पक्की? एक ही कट्ठा है अभी। ठीक है उससे कम नहीं, 80 भी नहीं। चलो तो भाई यहाँ पे स्कूटी पे नहीं लेके जा रहे भाई को, दे रहे। अरे पकड़ो दे। भाई बहुत भारी है भाई, बहुत ज़्यादा भारी है लकड़ी है। तो भाई स्कूटी पे तो लकड़ियाँ जा नहीं रही है, तो वरुण भाई से भी पकड़ी नहीं जा रही थी भाई, इस रिक्शे वाले भैया को दे दी हमने पिछली बार भी भाई। हाँ 200 रुपये दे के मगर 4 घंटे थे। हाँ वो भैया से उठवाए थे और फिर से 80 से कम नहीं हो पाया। मेरे को लगा मैक्टियो पे रख लेंगे भाई, मगर बहुत भारी, बहुत ज़्यादा भारी है भाई, वेट बहुत है। एक तो मोटी लकड़ी है ऊपर से वेट भारी है। मेरे को लगा 10 फुट थोड़ा छोटा, सही है भाई बहुत भारी, बहुत ज़्यादा भारी है। तुम देखो यार कितनी भारी लकड़ी है, वरना हम स्कूटी पे ले जाते हैं। स्कूटी पे ले जाते हैं, भारी नहीं होती तो। उठवा वरुण भाई। बहुत बढ़िया, अब इस पे आराम से चली जाएगी। तो भैया के लकड़ी दे दिए भाई, लेके जा रहे हैं भैया। पहले भी भैया मिले थे, पहले भी भैया मिले थे। अबे भाई बहुत ज्यादा भारी थी ये। तो भैया से हमने पहले कहा भैया 80 ले लो, भैया कह रहे हैं बहुत भारी है, तुम भी देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमने कहा चलो 100 ही ले लो, 20 रुपये की तो बात है वरुण भाई। तो भैया अभी पहुंच जाएंगे। साथ साथ में चलना है क्या? हाँ साथ साथ। ठीक है तो भैया के साथ साथ चलना। तो भाई अभी मैं पार्क में आ गया था, रावण देखो यहाँ वासु भाई काम कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं भाई? ये लेबी लगा रहा था। ग्लेश पेपर कब से चालू होगा लगना? ग्लेश पेपर कब से स्टार्ट हो जाएंगे भाई? देखो रावण कितना तैयार हो चुका है, तुम देखो अभी रात को दिख नहीं रहा होगा। वासु भाई लगा दी लेबी? हाँ ये लगा दिया। हाँ देखो भाई तो पूरी मूंछ देखो यार, रावण की कितनी तगड़ी लग रही है। मूंछ भाई कब रेडी हुई है? यार हमने सुबह आती ना काम स्टार्ट कर दिया था, तो आज पूरी रेडी होगी। अच्छा रेडी होगी भाई, कितनी प्यारी लग रही है मूंछ। अब ग्लेश पेपर लगते पूरा तैयार हो जाएगा यार, पूरे रेडी हो जाएंगे। सही है भाई, तुम देखो वैसे अभी आपको रात को दिख नहीं रहा होगा, कल मैं सुबह दिखाऊंगा ना आपको। भाई लकड़ी भी आ गई जो हम लेके आए थे ना अभी, तो लकड़ी आ गई। रिक्शे वाले भैया अभी आए हैं, तो यहाँ पे रखवा दिया हमने लकड़ी। तो कल मैं आपको दिखाऊंगा ग्लेश पेपर कैसे चढ़ेगा। तो लकड़ी भी आ चुकी है हमारी, देखो तो पूरी 16 लकड़ी आई 10 फुट वाली, जैसे कि आपको मैंने वीडियो में बताया था अभी शुरू में। अरे भाई लेवी लगानी है इस पर, थोड़ी लगानी है। आपको रात को तो मुंह समझ नहीं आ रहा होगा, भाई कल सुबह दिखाऊंगा आपको। तो भाई वासु भाई छाती और वो कांगी है घाघरा घाघरा। तो भाई घाघरे में भी पूरा कवर हो चुका है देखो तुम। तो मुंह यार मुंह काफी प्यारा लग रहा है, तुम देखो ना इसका मुंह कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस जब मैं आपको कल अच्छे से कल सुबह ही दिखा पाऊंगा मुंह की मूछे, देखो आपको दिख रही होगी ना हल्की हल्की, बाकी कल बढ़िया ही दिखाऊंगा मैं आपको कल सुबह वीडियो में। तो दिखेगा इस आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ। आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखेगा कि भाई कितना बढ़िया तैयार हुआ है रावण ये।
तो ठीक है भाई, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई चैनल पे ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल बजा देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट डालू तो आप नोटिफिकेशन आ जाए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Go crazy, berserker.